Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 8th. Exercise 6.1. इन सबको हमें क्या करना है? Add करना है. 10xy minus 7xy plus 5xy plus minus xy. अब देखिए इसमें plus यहाँ है और यहाँ है. 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15xy हो जाएगा. और 7xy माइनस में है, ये भी एक xy और भी है, यानी माइनस 8xy. तो यहाँ 15 में से 8 जाएगा तो 7xy बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा. इसी तरीके से देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको भी हमें सॉल्व करना है. देखिए यहाँ 9a है, 7a है, ये दोनों किस में है? प्लस में है. तो 9a और 7a ये हो जाएगा 16a, प्लस में माइनस में कितना है? 5a, 5 1 6 और 4 6 और 4 10, यानी 10a. 16 में से 10a जाएगा तो कितना बचेगा? 6a बचेगा. कितना बचेगा? 6a. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इन सबको हमें ऐड करना है. देखिए 5x 6y 6z 4x 5y 10z, तो इसे हम लिखते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं. क्वेश्चन को हमने उतार लिया. 5x-6y 6z 4x+5y-10z x-8y+z. जितने भी x के वैल्यू हैं उनको देखिए, 5x 4x और 1x, 1 5 5 10x हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 10x. 5x 4x 9x और 1 10x. x खत्म हो गया. -6y और 5y और कितना? 8y. देखिए यहाँ यहाँ माइनस है तो ये कितना हो जाएगा? -14y और प्लस y कितना है? 5y. अब z को देखते हैं, 6z 10z माइनस में और ये, यानी 7z प्लस में है माइनस, सॉरी 7z प्लस में है माइनस 10z माइनस, मतलब 10z माइनस में है. ये सब प्लस में था तो प्लस में आ गया, सब ऐड हो गया था. तो ये हो जाएगा 10x, 14 में से 5 गया क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएगा. तो ये बचेगा -9y. z में देखिए 7, यानी -3. 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा माइनस में, वो भी क्योंकि माइनस वाला वैल्यू बड़ा है, 3 -3z, यही हमारा आंसर हो जाएगा. अब देखिए 8th तक आप खुद से करिए. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. सब्स्ट्रैक्ट करना है 5a² b को किस में से? -7a² b में. अब देखिए इसमें से हमें इसको माइनस करना था तो 7a² b में से हमने -5a² b कर दिया. तो 7a² b और -5a b तो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का साइन माइनस है. 7 और 5, 12a² b, वो भी माइनस में क्योंकि दोनों जगह माइनस है. और जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -12a² b. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. -10pq को 8pq से माइनस करना है. तो 8pq में से हमें माइनस करना था तो हमने माइनस लिखा और -10pq करना है तो 8pq ये हो गया. और ये क्या हो जाएगा? -(-) प्लस हो जाएगा, प्लस 10pq हो जाएगा. तो 10 और 8 हो जाएगा 18pq, यही हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. 4x-7y+4z-11 को क्या करना है? सब्स्ट्रैक्ट करना है इसमें से. तो बहुत ही आसान है. देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? 5x-6y-2z. तो देखिए हमने 5x-6y-2z+8 में से हमें क्या माइनस करना है? 4x-7y+4z
माइनस इलेवन, तो यही माइनस करना है, तो 5x माइनस 6y माइनस 2z प्लस 8, ये सब सारे साइन जो माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4x, और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, 7y, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 4z, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। अब देखिए x x कहाँ है, 5x यहाँ है, यहाँ 4x है, माइनस में है, तो कितना बचा, x बचा, माइनस 6y यहाँ है, 7y यहाँ है, तो 7 दोनों अपोजिट साइन है, तो 7 में से 6 जाएगा, प्लस y बचेगा, और 2z माइनस में यहाँ है और ये भी माइनस में है, 4 और 2 माइनस 6z, 8 यहाँ प्लस में है, 11 भी प्लस में है, तो 8 और 11 19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5x² माइनस xy माइनस 5y² माइनस 3, में कितना माइनस कर दें कि इतना आ जाएगा, तो देखिए कैसे सॉल्व। सपोज इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, a माइनस कर दिया, और हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 6x² माइनस 9xy माइनस 6y² प्लस 3, तो देखिए ए की वैल्यू हम उधर करेंगे, ए जाएगा उधर, यानी ए की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, ए को इधर भेजना होगा, और ये 5x² माइनस 8xy माइनस 5y², ये सब माइनस में हो जाएगा, माइनस से इस साइड आ जाएगा, 6² माइनस 9xy माइनस 6y² प्लस 3, ये हो जाएगा। अब a की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 5x² माइनस 8xy और कितना है, माइनस 5y² माइनस 6x² प्लस 9xy प्लस 6y² प्लस 3 है, तो माइनस 3 हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए 5x² है माइनस 6x² है, तो ये हो जाएगा माइनस x². अब y को x y को देख लेते हैं, 8xy है या 9xy है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यानी बचा कितना, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस xy। वाई स्क्वायर में यहाँ 5y², यहाँ 6y² है, यानी प्लस y² बचा। और देखिए और भी कुछ है, हो गया माइनस 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा।